नानक देव जी के बारे में बताऊंगी। कल उनका जन्म दिवस है जिसे हम गुरुपुरब के रूप में मनाते हैं। तो इनका जन्म 1469 को रायपुर की तलवंडी, जिसे अब हम ननकाना साहिब कहते हैं, वहां हुआ है। इनके पिताजी का नाम महता कालू था और इनकी माता का नाम माता तृप्ति था। इनकी एक सिस्टर थी जो इनसे बड़ी थी और वो बहुत ही प्रेम करती थी इनसे, तो उनका नाम था बीबी नानकी। तो बचपन से ही इनकी नॉलेज जो थी, मतलब इनको कहते हैं ना एक बहुत ज्यादा नॉलेज स्टार्टिंग से थी, फिर भी इन्होंने संस्कृत एवं की हिंदी इसकी नॉलेज भी इन्होंने रखी है, फारसी भी सीखी है इन्होंने। तो इनका जो मेन टीचिंग या प्रीचिंग थी वो यही थी कि इक्वालिटी है, जैसे बच्चों ने बताया है पंगत के बारे में, तो वो किस लिए जो शुरू की गई है पंगत, वो इसलिए थी कि किसी में डिफरेंसेस ना आए, इक्वालिटी हो। पंगत में सब लोग नीचे बैठ के जो लंगर है वो छकते हैं, वो क्यों, ताकि आप जब लंगर छकते हो तो सब नीचे बैठे होते हो तो एक का घुटना दूसरे के साथ टच होता है, जिसमें ये मैसेज आता है कि कोई बड़ा कोई नीचा नहीं है। तो वहां ये नहीं पता चलता कि राजा बैठा है या कोई भिखारी बैठा है, सब एक साथ ही बैठ के जो लंगर है वो छकते हैं। तो पंगत का वहीं से जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है वो इसीलिए दिया है क्योंकि इनकी टीचिंग ज्यादा किस पर थी, इक्वालिटी पे, इवन की वुमेन इक्वालिटी पे इन्होंने बहुत ज्यादा बताया हुआ है। तो इनकी एक, जैसे मैंने बताया इनकी हाइम्स है, वो जो होली बुक है गुरु ग्रंथ है उसमें इनके जो हाइम्स है वो ऐसे शब्द इनके बताए गए हैं, तो उसमें लिखा हुआ है सो क्यों मंदा आखिए जिस जमे राजान, मतलब उसे क्यों हम बुरा बोले जिसने राजाओं को भी जन्म दिया है। तो वुमेन की इक्वालिटी पे इन्होंने बहुत ज्यादा बोला हुआ है, बताया हुआ है, और इवन की इनके ज्यादा प्रीचिंग की किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानते थे या ये किसी चीज नहीं, इनका फोकस नहीं होता था कि भाई इस धर्म को मानो, ये कहते थे सभी धर्म एक जैसे है, ह्यूमैनिटी पे इनकी ज्यादा फोकस रहती थी। और जैसे एक बार इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा चार इन्होंने अलग अलग देशों में ये जाते थे जिन्हें हम बोलते हैं मिशनरी टूर्स किए थे इन्होंने, जिनको उदासियां बोला जाता है। तो मिशनरी टूर्स में क्या होता था, ये अलग अलग देशों में